आई आप लोग खड़ा कहाँ बनी बैठी आई 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 बैठी आप लोग कब आई नी? हाँ तू लोगों ने इतना जल्दी कैसे आ गई ला? अब इतना बड़ कांड हो गए दो दिन में हमारे गैर मौजूदगी में तावे कहीं पड़ा और अच्छा बेल की आई गई नी अब का बाकी हमारे पूरा खानदान के झांसी में शोर हो चुकल बा तो शोहरत बटोरे ते आवे के ही पड़त कहे वैसे जॉन भी भयल होखे आप बहुत बड़ा काम के लिए बनी मम्मी हमरा खातिर बहुत बड़ा हमार आवे वाला सात पुस्त याद रखिए आपके एक आम खातिर लोग तो बच्चन के मजाक में छेड़े ने अभी तू तो घर में भेल रहला तू कूड़ेदान में मिल रहला हमरा घर में सच में ऐसा हो गई सेम टू सेम And all thanks to you, mummy ji. आप ना होती थी काम कैसे होगा हमके बताइए आप जी अरे भाई हमारे खानदान के बेटी को दुनिया में लाल बनी आप छोट मोट बात नहीं खे बेटा हम लोग बच्ची के देखे खातिर चली आई नी हाँ तो देखी ना जी भर के देखी टिकट थोड़े लगल बा और वैसे भी प्रदर्शनी बने चुकल बा अखबार वाला बना देले बड़न जाओ और मिला हुआ बच्चे के दादी से मिला हुआ सबके चला अब आप ते ही रहे वाला बानी ये लोग थोड़ा देर खातिर आयल बड़न चल जी हैं मिला हुआ सबसे दादी के गोद में था बच्चे के चला अरे हमार सोन परी कितना सुंदर बा अले ले 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 छोट कंचन माँ अच्छा से खातिरदारी होके के चाहिए सब लोग के ये लोग रोज रोज ते आवे ने ना और अब तो दूर दूर रिश्ता हो गया ये लोग से दूसरा ही हमार घर के बेटी के जन्म देवे में मदद के लिए पड़ा कहाँ है रश्मि सही कहत बाड़ा बेटा तू चिंता मत कर हम पहले से ही लड्डू बनाए के रख ले बानी सबके खिलाए और बाद के भी देव सबके खातिर हाँ चला गुड एंजॉय करा सब लोग अरे झुमकी चाय पानी ना ले अबू का की भी सब बोले के पड़ी बहू आइडिया सबके साथ आओ मीम तू यहाँ बैठ जा आज बैठ जा बैठ दादी
हम के भी दीना बेबी के थोड़ा देर बात कर रतानी करा से संभाल अरे के। संभाल के हाँ हाँ आराम से संभाल के संभाल के ले 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 आ समधन जी हमरा से कोनो गलती हो गई का दामाजी बहुत नाराज लागत रहे अरे नाना समधन जी असल में सम्राट के अच्छा ना लागल वो अखबार में नाम वाम छपी गई ना और शहर में जी खबर फैल गई बा कि राठौड़ खानदान की बेटी मंदिर में पैदा भइल बा वो भी सब लोगन के सामने बस यही खातिर बाकी कौनो बात नहीं के पर हमनी के पास और कोनो चारा भी तो ना रहल हम सच में बहुत कोशिश कईनी कसम से कि हम आपके बहू के अस्पताल ले जाई लेकिन ओकर हालत बहुत बिगड़ गए रहे हमके जे भी करे के पड़ल मंदिर में ही करे के पड़ल हाँ बुआ जी भाभी ले जाए लायक ही ना रहनी अस्पताल देखी समधन जी एह तरह सफाई देखे हमनी के शर्मिंदा मत करी हम जानते नहीं कि आप जे हालत में फैसला लेनी वो पूरा तरह से वाजिब रहे अब नेकी करके खुद के दोषी मत मानिया हाँ सही कहत बाड़े और समधन जी का हमके पता ना बा कि जे कुछ भी भइल पर ई सब बात छोड़ा वो लड़का बा वो का जानी औरत के तकलीफ जब खुद के बच्चा होगी ना तब समझ में आई ओहे तो लेकिन का करी देवर जी अच्छा अच्छा बात भी ना समझत तई औरतन वाला बात का समझी है अरे हम तो कहत बानी कि उनके जब खुद के बच्चा होगी ना तब भी उनके कुछ भी समझ में ना आई वो तो खुद के बच्चा से ऐसे बात करी है देखी काबे इतना जल्दी का है ला? एक घंटा बाद ना सकत रहला तो के पता होगी के जात रहल ना हमार मीटिंग बा सच में बुआ जी हम तो कहतानी हमार देवर जी जब अगला जन्म में लड़की बन के जन्मी है ना तभी उनके पता चली कि सब का हो खेला चुप बिल्कुल सही अब उर्मे उर्मे ला लागल पुकार अब जाई माँ हम अभी आवतानी शायद उनके कुछ चाहत होगी जा बेटा जा जा उर्मे जी बुलाइनी आप आपके पति इतना लंबा सफर करके लौटल बा आपसे इतना ना बिल्कुल उनसे पूछल जा कि थक गलोक बा कोनो चीज की जरूरत बा चाय तो ना चाहिए पानी तो ना चाहिए कुछ ना सॉरी झुमके चाय चढ़े ले भी हम अभी लेके आ बतानी मांगने हम आपसे चाय ना कॉफी पिए आप हम कॉफी लेके आ बतानी मांगने कॉफी हम ना आपके कुछ खाए खातिर चाहिए हम लेके आ तनी चुप कर अब ज्योतिष महाराज अटकली लगावा जा रहल बाड़ू आप हम बोले कि आप ही ऑप्शन देत रह जोन कहते नहीं होके ध्यान से सुनी फालतू में दिमाग मत चले बेकार में ना तो पेस ढीला हो जाए ठीक बा फिर आप ही बता दी आपके कहाँ चाहिए हाँ काली घड़ी नहीं खेमिल पता ना कहाँ बा ढूंढी तेनी कहाँ बा हम नहा के आवा नहीं माँ ई ले ई कड़ा आपन हाथ से गुड़िया के पहना दे अरे ई सब के का जरूरत रहे ई आशीर्वाद बा हमनी सब के तरफ से बिटिया खातिर ई पहुंची बा ई पहन ले तब बिटिया के नजर भी ना लागी अरे आंटी ले ना अरे वाह पहचान ले ले साहब के पैदा होकर ही आपके गोद में आयल रहल जे पहले माँ लाइना हमार गोद में नहीं ना गुड़िया के हम भी तो देखी हमार गुड़िया हमके पहचाने लेकिन ना हाँ हाँ बहू दे इधर रश्मि के गोद में ले तब ममता उमड़ी तब कोक जागी ये बच्ची के बहाना कम से कम हमनी लोग के घर में खुशी आ जाई